बिहार के गौरवशाली इतिहास और आधुनिक पटना की पहचान बने गोलघर का निर्माण सन 1786 में कराया गया था। वर्ष 1770 में भयंकर सूखे से लगभग 1 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हुए थे। तब तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने अनाज के भंडारण के लिए गोलघर का निर्माण योजना बनाई थी। ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन ग्रास्टिन ने फौज के अनाज भंडारण के लिए इस गोल ढांचे का निर्माण 20 जनवरी 1784 को प्रारंभ कराया था। यह निर्माण कार्य 20 जुलाई 1786 को संपन्न हुआ। कहा जाता है कि यह ऐतिहासिक गोलघर लगभग 235 साल प्राचीन हो चुका है और आज भी संरक्षित है। गोलघर बनाने का उद्देश्य क्या था, गोलघर को क्यों बनाया गया था, इसके पीछे बेहद ही दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है लगभग 1770 के आसपास बिहार राज्य सूखे के दौर से गुजर रहा था। इस भयंकर सूखे में लगभग करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार हुए थे। करोड़ों लोग शहर को छोड़कर भी चले गए थे। इस भयानक दौर के बाद उस समय के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई ताकि अनाज को लंबे समय तक स्टोर किया जा सके। गोलघर की खासियत क्या है, इस घर में 1,40,000 टन अनाज रखा जा सकता है। यह गोलघर 125 मीटर चौड़ा और 29 मीटर ऊंचा है। इसकी खासियत है इसमें एक भी स्तंभ नहीं है। इसकी दीवारें 3.6 मीटर मोटी है। गोल घर में ऐसे तो ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके शिखर पर लगभग 3 मीटर तक ईंट की जगह पर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। कहा जाता है कि मजदूर एक ओर से अनाज लेकर गोल घर के शीर्ष पर पहुंचते थे और वहां बने 2 फीट 7 इंच व्यास के छिद्र में अनाज डालकर दूसरी ओर की सीढ़ी से उतरते थे। वैसे बाद में इस छिद्र को बंद कर दिया गया। 145 सीढ़ियों को तय कर गोल घर के ऊपरी सिरे पर पहुंचा जा सकता है। यहां से शहर के बड़े हिस्से खासकर गंगा घाट के मनोहरी दृश्य को देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये खास पेशकश थी बिहार के पटना शहर के ऐतिहासिक गोलघर की। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।